हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। तो जैसे कि अभी नीट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो अब हम लोग ऐसी स्टडी करेंगे कि जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। वैसे तो बायो में हमें कुछ नहीं छोड़ना है, लेकिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो भी फुल फॉर्म है जो कि पूछे जाते हैं हमारे नीट में। तो आज हम लोग इस वीडियोज़ के अंदर जितने भी 100 या फिर जितने भी फुल फॉर्म है पूरे बायोलॉजी में, हम उन पूरे को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कि दिया गया है, डेट इज़ ICBN। तो ICBN का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, डेट इज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो क्या है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। ICZN का हम लोग बात करते हैं, डेट इज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। PPLO क्या होता है, PPLO का फुल फॉर्म होता है प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, PPLO हमारा क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स जो हमारा आ जाता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर वो हमारा PPLO आ जाता है। ठीक है, जिस या फिर माइकोप्लाज्मा भी आपको वहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल सकता है। GFR क्या होता है, ये आप लोग एक्सक्रीशन में पढ़ते हो, डेट इज़ ए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एंड JGA का फुल फॉर्म क्या होता है, जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ठीक है, इसको भी आप लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के अंदर पढ़ते हो। ANF क्या होता है, डेट इज़ ए एट्रियल नेट्रियो यूरेटिक फैक्टर्स। GnRH डेट इज़ ए गोनेडोट्रॉपिंग रिलीजिंग हारमोन्स, जो कि क्या होता है, एक हारमोन्स होता है। GH का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रोथ हारमोन्स। TSH का फुल फॉर्म हमारा होता है थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हारमोन्स। ACTH का फुल फॉर्म हम लोग देखते हैं, डेट इज़ ए एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हारमोन्स। MSH का जो फुल फॉर्म होता है, डेट इज़ ए मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हारमोन्स। एंड ADH स्टैंड्स फॉर वैसोप्रेशन एंटी डायूरेटिक हारमोन्स। T3 एंड T4, T3 का फुल फॉर्म होता है ट्राई आयोडो थायरोनिन। ठीक है, टेट्रा आयोडो थायरोनिन और थायोरेक्सिन, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, डेट इज़ ए TCT। TCT का जो फुल फॉर्म होता है, डेट इज़ ए थायरो कैल्सिस्टोनिन। एंड PTH का फुल फॉर्म होता है पैराथायरॉयड हारमोन्स। ये सभी आपको मिल जाएंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर्स में, जो सबसे आपका लास्ट चैप्टर्स है। PTH का फुल फॉर्म जो होता है, डेट इज़ ए पैराथायरॉयड हारमोन्स। CCK का फुल फॉर्म होता है कोलियोसाइसिस्टोकाइनिन। LSH का फुल फॉर्म होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसको आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हो। PGA का फुल फॉर्म होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। OAA का फुल फॉर्म होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। रोबिस्को स्टैंड्स फॉर राइबिलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, अब ये देखो, हम लोग दो प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स इन होल बायोस्फीयर। ठीक है, तो बायोस्फीयर में हमारा रोबिस्को देखने को मिलता है, और एनिमल वर्ल्ड के अंदर हम लोग जो पढ़ते हैं, डेट इज़ ए कॉलेजन। NAD का फुल फॉर्म क्या होता है, निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, या फिर इसको हम लोग कोएंजाइम्स होता है। COA का फुल फॉर्म क्या होगा, कोएंजाइम ए। ETC का फुल फॉर्म होता है, डेट इज़ ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एंड RQ स्टैंड्स फॉर रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी में जो भी तुम्हारे RQ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको याद करना पड़ेगा कि किसका क्या RQ होता है। PGRS का फुल फॉर्म होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आप लोग पढ़ते हो, कुछ हमारे होते हैं जो क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं ग्रोथ को, और कुछ क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। ठीक है, इनहिबिटिंग एंड प्रमोटिंग। NAA का फुल फॉर्म क्या होता है, नेप्थिलीन एसिटिक एसिड। एंड 2,4-D का फुल फॉर्म होता है 2,4-dichlorophenoxy एसिटिक एसिड। इसके बाद हम लोग आते हैं, डेट इज़ ए GA3। GA3 स्टैंड्स फॉर जिब्रेलिक एसिड। एंड PMC स्टैंड्स फॉर पॉलिन मदर सेल, या फिर माइक्रोस्कोप मदर सेल। ठीक है, ये आप लोग पढ़ते हो किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। MMC का फुल फॉर्म जो होता है, डेट इज़ ए मेगा स्पोर मदर सेल्स। PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। SCG स्टैंड्स फॉर ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स। HPL स्टैंड्स फॉर ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेंस। STD होते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को पढ़ेंगे। WHO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी। MMR स्टैंड्स फॉर मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। IMR स्टैंड्स फॉर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट।
IUDS डेट इज़ ए इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, MTP का जो फुल फॉर्म होता है डेट इज़ ए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ZIFT स्टैंड्स फॉर जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। GIFT गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, IUT का फुल फॉर्म जो होता है डेट इज़ ए इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, IUI का जो फुल फॉर्म होता है डेट इज़ इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन। ये सभी आपको याद करके जाना है। देखो टर्मिनोलॉजी में कहीं भी पूछे जा सकते हैं। AIT या फिर AI का जो फुल फॉर्म है डेट इज़ ए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक्स। 46 डेट इज़ ए ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये सभी आप लोग पढ़ोगे किसके अंदर, ह्यूमन हेल्थ जो तुम्हारा दिया गया है, सॉरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर। ठीक है, IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। NSC का जो फुल फॉर्म होगा नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। SNRNA का फुल फॉर्म होता है स्मॉल न्यूक्लियर RNA। HNRNA का फुल फॉर्म होता है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA। SRNA स्टैंड्स फॉर सॉल्युबल RNA। HGB स्टैंड्स फॉर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। BAC का फुल फॉर्म जो होता है डेट इज ए बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम्स। BYSE स्टैंड्स फॉर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम्स। VNTR होते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स। CMI स्टैंड्स फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी MALT। ठीक है, MALT म्यूकोशल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। AIDS का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स। ठीक है, जो ये बीमारी होती है डेट इज़ कॉज्ड बाई HIV एंड HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियंसी वायरस। ELISA टेस्ट होता है डेट इज़ ए एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, किस पर बेस्ड होता है, एंटीजन एंटीबॉडीज। ठीक है, MRI स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनिंग। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं डेट इज़ ए MOET। MOET स्टैंड्स फॉर मल्टीपल ओबुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। SCP स्टैंड्स फॉर सिंगल सेल प्रोटीन्स। लैब का फुल फॉर्म होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। PPM डेट इज़ ए पार्ट्स पर मिलियन। DU होता है डॉप्सन यूनिट्स आप लोग थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर्स के लिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, डेसिफिल DB का फुल फॉर्म डेसिबल होता है, जो हम लोग जो क्या बोल सकते हैं, जो साउंड वगैरह होता है उसको हम लोग देखते हैं। CFCs की फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। HTP स्टैंड्स फॉर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। BOD स्टैंड्स फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। KBIC डेट इज़ ए खादी ब्लेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, BT स्टैंड्स फॉर बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। ORI का फुल फॉर्म होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। TI प्लाज्मेट डेट इज ए ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मेट। TAG दैट इज ए थर्मस एक्विटिकस। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसके बाद हम लोग आते हैं डेट इज ए NPP डेट इज ए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डेट इज ए GPP। GFC का जो फुल फॉर्म होता है डेट इज ए ग्रेजिंग फूड चेन। TFC का जो फुल फॉर्म होता है डेट इज ए डेट्रिटस फूड चेन। IUCN डेट इज ए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। CNG स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। PPB का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, तो इतने इम्पोर्टेंट हम लोगों के जो भी थे पूरे हमने स्टैंड्स फॉर क्या उनका फुल फॉर्म होता है उसको हमने कवर कर लिया है। और अब हम लोग ऐसे ही चीज़ें जो बहुत ज़्यादा पूछने के चांसेस होंगे हम लोग इसी छोटे से वीडियोस के फॉर्म में हम लोग उसको पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो इन जो भी हमारे टर्मिनोलॉजी है इनको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैं गारंटी देता हूँ इसमें से कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चंस बनेंगे ही। ठीक है, पूछे जाते हैं हर साल स्टैंड्स फॉर पूछा जाता है कि क्या होता है, तो वो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। तो मिलते हैं आप ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स के साथ में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से और अपने PYQ को भी आप सॉल्व करते रहिए।